वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट चल रही थी जिसमें हम छोटी छोटी बात कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अनुसूत्र को हम आण्विक सूत्र भी बोलते हैं, आण्विक सूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र जैसे मैथ में पढ़ते हैं हम, मैथ में हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं ना। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास देखो केमिस्ट्री में भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ देखना, जैसे हमारे पास सबसे पहले बात आती है सूत्र की, जैसे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब कार्बन को हम क्या लिख देते हैं, सी, ऑक्सीजन को लिख देते हैं ओ, अगर हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या लिख देते हैं एच, हीलियम है, हीलियम को लिख देते हैं एच ई, लिथियम को क्या लिख देते हैं एल आई लिख देते हैं, बोरोन को बी लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हम तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, कार्बन का प्रतीक सी, ऑक्सीजन को ओ, हाइड्रोजन का एच, प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, संकेतों के रूप में लिखते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, सूत्र ही है। ठीक है, क्या है, सूत्र है, यानी कि तत्वों को उनके प्रतीकों के अनुसार लिखना या प्रतीकों में लिखना सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सूत्र की बात होगी तो हमको क्या करना है, कार्बन को सी लिखना है, ऑक्सीजन को ओ लिखना है, हाइड्रोजन को एच लिखना है, बोरोन को बी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए, सूत्र ही हुए। ठीक है, अब आगे की बात हम करते हैं, अब यहां पे बात क्या आती है, आण्विक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, आण्विक सूत्र क्या होता है, वह सूत्र जिससे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का पता लगता है, परमाणुओं की वास्तविक संख्या का पता लगता है। ठीक है, वास्तविक संख्या का पता लगता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आण्विक सूत्र कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे हमारे पास है C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, किसी चीज का अणुसूत्र हुआ। यहां पे हमें पता लग रहा है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास H2O है, ये भी हमारे पास आण्विक सूत्र है, यहां हमें साफ पता लग रहा है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसी तरीके से हमारे पास है NH3, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, हमें पता लग रहा है देखते ही। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र क्या है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, वह सूत्र जिससे किसी अणु के सरलतम अनुपात का पता लगता है, किसी अणु के सरलतम अनुपात का पता लगता है, सरलतम अनुपात का पता लगता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, आप कहोगे कैसे, इसको समझाइए, समझाते हैं। अब देखो, ये हमने C6H12O6 लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, लिख दूं 6H2O, ठीक है, ये लिख दूं, तो इसे हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। आप कहेंगे ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, तो देखो इसका सरलतम अनुपात है। ठीक है, अगर जैसे हम 6 के पाड़े से काटे तो 6 कम 6, 6 दुनी 12, 6 कम 6,
ठीक है, जो सरलतम अनुपात है वो। अब हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है, देखते जाइए एग्जांपल समझ में आएगा। तो H2O का सरलतम अनुपात क्या होगा, H2O का तो H2O ही होगा। NH3 का क्या होगा, NH3 का ये ही होगा NH3, ठीक है, और कोई। अब हमारे पास जैसे C4H10 है, क्या है, C4H10 ब्यूटेन है हमारे पास, ठीक है। इस ये हमारे पास क्या हो गया, अणुसूत्र। अणुसूत्र से हमको क्या पता लग रहा है यहाँ पे, अणुसूत्र से हमको पता लग रहा है कि इस वाले यौगिक में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका सबसे छोटा रूप बनाना है, सरलतम रूप बनाना है, ठीक है। तो किसी भी छोटी से छोटी संख्या से काट सकते हैं हम, तो हम जैसे 2 से काटे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5, क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र का मतलब क्या हो गया, मूल सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र का मतलब क्या हो गया, मूल सूत्र या सरलतम सूत्र, यानी कि जो हमको यौगिक दिया हुआ है उसका सबसे सरलतम भाग, उसका सबसे सरलतम भाग हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। अब हमारे पास क्या है, जैसे C6H6 है, इसको काटो, ठीक है, किससे काट दें, 6 से कट जाएगा दोनों को, दोनों। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, ठीक है। कितनी सरल सरल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो आप किसी को भी आण्विक सूत्र से मूलानुपाती सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, हमारे पास सरलतम भाग होता है, ठीक है, समझ में आया। और अणुसूत्र में क्या होता है, जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या होती है, जैसे 6, 12, 6, ये वास्तविक है, ये वास्तविक अणु है ना, कम ना ज्यादा। और ये हमारे पास क्या है, सरलतम सूत्र है, सरलतम फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, और इतनी सी ही हमको बात करनी थी, ठीक है। और भी अगर आप देखना चाहो तो और चीजें आप कर सकते हो, जैसे हमारे पास है C4H8, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, किसके पारे से कटेगा, 4 के पारे से कट जाएगा, तो ये CH2, ठीक है। मूल अनुपाति सूत्र का मतलब मूल सूत्र जिससे बना हुआ है, है ना, मूल सूत्र जिससे बना हुआ है, जिससे आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो मैथमेटिकल चीजें थी थोड़ी हमारी, हमने कर लिए यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा और चीज देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर होता है, ठीक है। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन होता है, ठीक है। अगर अणुसूत्र निकालना है तो मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। आप कहेंगे एन क्या है, एन हमारे पास यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। एन 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, निकाल लिया। अब आप कहेंगे ये एन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एन निकालने के लिए जो हमारे पास यौगिक दिया हुआ है, ठीक है, यौगिक दिया हुआ है उसका द्रव्यमान, ठीक है, जो हमारे पास यौगिक दिया हुआ है उसका द्रव्यमान या अनुभार, यौगिक का अनुभार, ठीक है, यौगिक का अनुभार। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एन हम कैसे निकालेंगे, यौगिक का अनुभार अपॉन में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, क्या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, इसमें ये संबंध होता है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। और यहां पे n बराबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
ठीक है। और एन क्या होता है, यौगिक का अनुभार अपॉन यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, द्रव्यमान, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू हम यहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे तो इसको निकाल के दिखाइए। अब इसको निकालना भी हम आपको बताते हैं, देखो बच्चों, अगर हमें किसी यौगिक में द्रव्यमान प्रतिशत पता हो तो हम उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल निकालूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं। यहाँ मेरे पास बुक है और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे हम, वो हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया वो वाला, न्यूमेरिकल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तत्वों की उपस्थिति और कार्बन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन क्रमशः 40% तथा 6.67% है, ठीक है, 40% और प्लस में 6.67% है, ऑक्सीजन का नहीं दिया गया, ठीक है। सिर्फ दिया हुआ है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 6.67% है और ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अब कह रहा है, यदि यौगिक का अनुभार, यदि यौगिक का अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट तो आपने निकाला होगा, यदि यौगिक का अनुभार 180 है, यदि यौगिक का अनुभार 180 है तो क्या ज्ञात करवा रहा है, तो यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए, यौगिक का अनुसूत्र, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसमें तीन चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजें हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। अब देखो, उसमें कार्बन है 40% और हाइड्रोजन है कितना, 6.67%, ठीक है। अब जो बाकी बचा है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब प्रतिशत हम किस में से निकालते हैं, प्रतिशत हम निकालते हैं 100 में से, 100 में से, तो 100 में से क्या घटा लेंगे, 40 + 6.67, ठीक है, 6.67 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल हमारे पास कोई भी पदार्थ है वो 100% ही तो होगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ है वो 100% है, उसमें से 40% हमारे पास कार्बन है, 6.67% हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा जो बाकी का बचेगा, तो बाकी का कितना बचेगा हमारे पास, 100 में से अगर हम 40 और 6.67% हम घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, 53.33%, 100 से ज्यादा तो होगी नहीं कोई चीज, परसेंटेज हमेशा 100 में से तो निकलती है, ठीक है, तो 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, 53.33% क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मैंने ये ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन भी आपको बता दिया। अब ये कह रहा है, यदि यौगिक का अनुभार 180 है, यदि यौगिक का अनुभार 180 है तो यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है, अनुसूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका आंसर निकालते हैं, कार्बन हमारे पास कितने प्रतिशत है, 40, पहले हम लिख लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन कितना है, 6.67%, ऑक्सीजन कितना है, 53.33%, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 16, ठीक है, 12, 1, 16,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इनका जो अनुपात है वो निकालो, परमाणु का अनुपात, परमाणु का अनुपात निकालो। परमाणु का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 बटा 12, 6.67 अपॉन 1 और 53.33 अपॉन 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परमाणु का अनुपात है। ठीक है, परमाणु का क्या है, अनुपात है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, चलो मैं यहां निकाल देता हूं, ये आ जाएगा लगभग 3.33। ये क्या आ जाएगा, 6.67 में एक का भाग देंगे तो लगभग 6.6 ही आएगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो इसमें भी लगभग 3.33 आएगा, है ना, ये इतना आएगा, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, परमाणु का अनुपात निकालना है हमको, परमाणु अनुपात हमने इनका निकाल लिया। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, क्या करना है आपको, इनका सरल अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात कैसे निकालोगे, सरल अनुपात छोटी से छोटी संख्या से इनको काट दो, छोटी से छोटी संख्या से इनको काट दो। अब मैं इसको 3 से काटूं, 3.33 से काटूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं इन सब में किसका भाग दूं, 3.3 का भाग दूं, 3.33 का भाग दूं, तो क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसमें मैं भाग दूं तो कितना आएगा, लगभग 2 के करीब। मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, लगभग 2 के करीब आ जाएगा। ठीक है, लगभग 2 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया। अब देखो सरल अनुपात, कार्बन कितना है, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सरल अनुपात। सरल अनुपात यानी कि मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2। और ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। अब हमको क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है या अणुसूत्र निकालना है। ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने का हमने क्या बताया था, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन बताया था मैंने। ठीक है, तो एन आप निकाल लीजिए, एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन मैंने क्या बताया था, यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार। ठीक है, अपॉन में मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक है, अब यौगिक का अनुभार कितना है, यौगिक का अनुभार हमने कहां लिखा था, ये रिया 180। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र भार क्या है, देखो जो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है इसका भार, इसका भार कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1, तो 1 कार्बन का हमारे पास क्या हुआ, 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हमें अनुभार नहीं निकालना, हमें मूलानुपाती सूत्र का भार निकालना है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन का कितना मान हो गया, 16। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 180 अपॉन 30, तो यहां कितना आ गया, 6। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 6। यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या था, CH2O। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दो। तो यहां पे मैंने क्या किया, कार्बन में 6 कर दिया, हाइड्रोजन में 6 × 12 कर दिया, अच्छे से लिख देता हूँ, और ऑक्सीजन में 6 कर दिया। ठीक है, गुना करने का मतलब यह है, संख्या को गुना करके इसके साथ लिख दो बस। तो हमारे पास जो यौगिक का अणुसूत्र आ गया वो क्या आ गया, C6H12O6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अणुसूत्र निकाल सकते हैं अगर हमको प्रतिशत संगठन पता हो तो। ठीक है, हाँ, और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपके पास बुक है उसमें न्यूमेरिकल है अणुसूत्र निकालने के, तो वो करके देखिए,
ठीक है, वो होते हैं या नहीं होते, तभी आपको पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से नहीं पढ़ रहे, वो करके देखिए। आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी की है, सीबीएसई की है, राजस्थान बोर्ड की है, कोई से भी बोर्ड की है, तो उसको पढ़ के देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, तभी हो पाएंगे। वरना मैं आखिरी में ज़रूर कराऊंगा न्यूमेरिकल आपको सारे, है ना, जो भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ाए हैं और जो आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो सबके न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक दो दो। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक की बात हो गई। यहाँ पे हमने अणुसूत्र जाना और मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आया, C6H12O6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अणुसूत्र। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, उतार सकते हो, कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय।